हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो हर एक नए या पुराने यूट्यूबर के पास होनी चाहिए। अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आज के दौर पर हर कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है तो उसके पास ये 10 एप्लीकेशन होना चाहिए। ये 10 एप्लीकेशन आपको चैनल ग्रो करने में मदद करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है टैग्यू। टैग्यू ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके वीडियो को टैग्स देता है। आप इसको ओपन कीजिए, सर्च का ऑप्शन आपको देगा, वहाँ अपने वीडियो का टाइटल डालिए, फिर आपको ये आपके वीडियो को ग्रो करने के लिए, वायरल करने के लिए टैग्स देता है। तो आप बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन के बारे में। दूसरी एप्लीकेशन है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ये HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। मैं भी इसी का यूज करता हूँ। अगर आपका चैनल PUBG गेम प्ले से रिलेटेड है तो आप इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपको एक नंबर क्वालिटी देता है। गाइस, अब चलते हैं अपने तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। इसका नाम है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा आपको अपने वीडियो शूट करने में हेल्प करता है। गाइस, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये ओपन कैमरा से हो रहा है। ये आपको HD क्वालिटी में वीडियो शूट करके देता है और ये माइक को भी सपोर्ट करता हूँ। अभी जो मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ बोया M1 का, ये उसको सपोर्ट करता है और HD क्वालिटी में वीडियो बनाता है। अब चौथे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, पिक्सल लैब। गाइस, पिक्सल लैब आपको थंबनेल बनाने में मदद करता है। मैं जो अपने थंबनेल बनाता हूँ वो भी मैं पिक्सल लैब से ही बनाता हूँ। एक एप्लीकेशन और है पिक्सआर्ट, जिससे भी आप अपना थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन मैं अपना थंबनेल पिक्सल लैब से बनाता हूँ। इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स है, ये अच्छी क्वालिटी देता है थंबनेल के लिए, तो इसलिए मैं पिक्सल लैब का यूज करता हूँ। आप पिक्सआर्ट का भी यूज कर सकते हो या पिक्सल लैब का भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं पांचवे एप्लीकेशन की, जो कि सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है काइनमास्टर। काइनमास्टर में वीडियो एडिट करने के लिए बहुत सारे आपको इफेक्ट मिलेंगे, फीचर मिलेंगे। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और है जिसका नाम है पावर डायरेक्टर। ये भी आपको अच्छे से वीडियो एडिट करके देता है, लेकिन काइनमास्टर में इससे ज़्यादा इफेक्ट है, ज़्यादा फीचर है, तो इसलिए अधिकतर लोग काइनमास्टर का यूज़ करते हैं। मैं भी काइनमास्टर का यूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं सिक्स नंबर की एप्लीकेशन, ये है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी आपको टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन अच्छी दिलाने के लिए मदद करता है। इसका यूज करना अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं सातवें नंबर की एप्लीकेशन के बारे में, सोशल ब्लेड। यह आपको मदद करता है अपने यूट्यूब चैनल की रैंक देखने के लिए। इसमें आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की भी रैंक देख सकते हो, लेकिन अब बात चल रही है यूट्यूब के बारे में, तो आप अपने यूट्यूब चैनल की रैंक इसमें चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, यह है YT स्टूडियो। YT स्टूडियो आपको व्यूज कितने, लाइक, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, सब कुछ आपको ये बताता है और इसको हर कोई यूज करता है। हर एक यूट्यूबर इस एप्लीकेशन को यूज करता है। गाइस, मैंने जितने भी एप्लीकेशन बताए ये सब आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। गाइस, यहाँ मैंने 8 एप्लीकेशन के बारे में बताया और थंबनेल पर 10 एप्लीकेशन के बारे में। तो 2 एप्लीकेशन है पावर डायरेक्टर और पिक्सआर्ट, इन दोनों को मिलाकर 10 एप्लीकेशन होती है। ये एप्लीकेशन आपको अपने चैनल को ग्रो करने में मदद करती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ही मुझे सपोर्ट मिलता है। जो भी कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। यूजर नेम है jeevanjaiswal.07 या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।